Welcome back to my tutorial. So in this example, we'll discuss how to create a digital clock using JavaScript. So JavaScript use करके digital clock कैसे बनाते हैं? इस example के अंदर अभी हम करके देखेंगे. ठीक है. तो पहले open करना Sublime text और उसमें start करो HTML. Okay. So title आप कुछ भी डालिए यहाँ पे. इस example like digital clock as a title. तो first हमारा जो user interface है, उसको create करेंगे यहाँ पे. So input type equal to text. ठीक है. सो तीन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमको. ओके. क्योंकि फर्स्ट वन जो डिस्प्ले कर रहे हैं हम उसमें आवर्स, सेकंड में डिस्प्ले कर रहे हैं मिनट्स, और थर्ड में डिस्प्ले करने वाले यहाँ पे यू नो सेकंड्स. ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पे तीन टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया. ठीक है. तो ब्रेक रो नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक साथ हमको डिस्प्ले करना है, इसीलिए ब्रेक रो को अवॉइड करता हूँ. और साइज़ जो है थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पे, इसलिए उसका जो एट्रीब्यूट है साइज इक्वल्स टू टू. यानी टेक्स्ट बॉक्स का साइज बाय डिफॉल्ट तो 20 रहता है. दैट मीन्स इट कैन अकोमोडेट अप टू 20 कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट ऑन स्क्रीन. तो ये सही है. ठीक है. दिस इज ओके. ओके. ये हमारा इंटरफेस. राइट. नाउ इनसाइड द यू नो हेडिंग सेक्शंस विल ओपन द स्क्रिप्ट यू नो टैग. ठीक है. तो पहले यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम लेते हैं यहाँ पे क्लॉक बोल के. ओके. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डी टी बोल के यहाँ पे, यानी डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है. ये बिल्ट इन मेथड है. ठीक है. देन इसमें विल एक्सेस थ्री वैल्यूज. इसमें जो डेट जो ऑब्जेक्ट है, ओके, इसमें से हम तीन वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव करेंगे. एक है आवर्स एंड गेट आवर्स, देन दूसरा जो है गेट मिनट्स, एंड तीसरा जो है गेट सेकेंड्स. तो उसके लिए मैं तीन वेरिएबल में यहाँ पर लेता हूँ. सो डी टी डॉट से गेट यू नो आवर्स. ठीक है. तो पहले आवर्स वैल्यू, उसके बाद में मिनट्स. सो डी टी डॉट सॉरी डी टी डॉट गेट मिनट्स एंड देन यस इक्वल्स टू डी टी डॉट गेट गेट सेकेंड्स गेट सेकेंड्स. ठीक है. तो तीन वैल्यू हमने लिया अभी. अब ये जो तीन वैल्यू जो है लेकिन एच एम एस, राइट, ये तीनों जो वैल्यू यहाँ पे तीन कंट्रोल को यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी असाइन करना उसको. तो इसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी. तो बाई आई डी, और पहले आई डी का नाम के यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन, और उसमें वैल्यू हम इंसर्ट करने वाले ये वाला, यानी हैच वैल्यू. हैच मीन्स दैट इज आवर्स. देन सेकेंड वैल्यू यहाँ पे, सो टी टू के अंदर मिनट्स का वैल्यू, एंड टी थ्री के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नंबर थ्री में सेकेंड का जो वैल्यू है अभी इंसर्ट करने वाला. ठीक है. तो पहले यहाँ पे रिट्रीव किया, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, राइट, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू रिट्रीव किया यहाँ से, यानी डेट ऑब्जेक्ट से लाइक आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो तीनों वैल्यू हमने स्टोर किया तीन वेरिएबल के अंदर यहाँ पे एच एम एस नेम लिए, राइट. तो एच का वैल्यू टी वन के अंदर डाल दिया, एम का वैल्यू जो है टी टू में डाल दिया, और एस का वैल्यू टी थ्री में डाल दिया. ठीक है. तो ये हमारा स्क्रिप्ट जो है पार्ट अभी हो गया. अभी इसको रन करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं रन करूँगा तो कोई टाइम डिस्प्ले नहीं होता अभी भी, राइट. तो उसके लिए आपको टाइमर कॉल करना है पे, यानी इंटरवल्स. ठीक है. वो कब कब कॉल करना है पे, बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी वी शुड ओपन वंस अगेन स्क्रिप्ट. तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सेट इंटरवल मेथड, सेट इंटरवल, और मेरा फंक्शन का नाम क्या यहाँ पे ऊपर, फंक्शन का नाम मैंने दिया यहाँ पे क्लॉक बोल के, राइट. तो उसको मैं अभी यहाँ पे कॉल करूँगा क्लॉक बोल के, राइट. और उसके बाद में टाइमिंग, यानी ये 1000 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, इक्वल्स टू दैट्स 1 सेकेंड. अभी जाके इस प्रोग्राम को रन करके देखते क्या होता है. देखिए अभी जो टाइम डिस्प्ले हो रहा है 1656, जो सिस्टम का टाइम है यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो सिस्टम का टाइम है वही जो टाइम यहाँ पे चालू होगा यहाँ पे. तो ये बाई डिफॉल्ट 24 आवर्स फॉर्मेट रहता है. इसको आप 12 घंटे का जो फॉर्मेट है 12 आवर्स फॉर्मेट, उसको भी वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको उसके लिए आपको थोड़ा चेंज यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 12 बस इतना ही डाल दो, यानी परसेंटेज 12. अब देखिए 456:28, तो ऑटोमेटिकली जो है अभी जो टाइमिंग सिस्टम से एक्सेस होता और वो जो है प्रिंट होता वेब पेज के अंदर. सो इसके लिए थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी कर सकते हैं इसको. तो स्टाइलिंग करने के लिए थोड़ा यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के अंदर, यानी यहाँ पे ऊपर हेडिंग सेक्शन के अंदर थोड़ा स्टाइल भी ओपन करें यहाँ पे, यानी सी एस एस भी थोड़ा डालेंगे इसके अंदर. ठीक है. तो मेरा जो एक आई डी में लेता हूँ यहाँ पे टेक्स, यानी टी एक्स बोल के, और उसका जो बैकग्राउंड जो रेडियस, बैकग्राउंड रेडियस
बैकग्राउंड रेडियस, मान लो 10 पिक्सल, ओके, यानी ऑल फोर साइड्स, पूरे चारों साइड में उसका जो जो ये आता जो कर्व्स रहता है वो 10 पिक्सल वैल्यू में, ओके ओके बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम डालेंगे यहाँ पे इसका खाकी, और फॉन्ट फॉन्ट साइज करेंगे यहाँ पे अराउंड 18 पॉइंट्स, या तो पिक्सल पिक्सल भी डाल सकते हैं, तो पॉइंट्स भी डाल सकते हैं आप लोग, ओके। एंड कलर यानी फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ब्लू, ठीक है। तो ये आईडी का नाम मैंने दिया यहाँ पे, देखिए आईडी का नाम दिया मैंने TX बोल के। अब ये जो TX है, अब मैं यहाँ मेरे पास जो 3 टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, इसमें अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अच्छा देखिए, दोनों आईडी आईडी यहाँ पे मिसमैच होता, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट आता, इसलिए इसको मैं थोड़ा चेंज करके जो डॉट लगाता हूँ, डॉट का मतलब क्या होता है, एक क्लास होगा अभी, राइट। तो उस क्लास को यहाँ पे अभी हमें अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो क्लास इक्वल्स टू TX, ठीक है। सो क्लास CSS का क्लास है ये, ठीक है, जैसा वहाँ पे क्लास IDO कर लेते हैं ना वैसा। तो तीनों को मैं अभी यही अप्लाई करने वाला हूँ, चलिए देखते क्या होता है, रीलोड करते पेज को। अब देखिए थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया है, और बैकग्राउंड भी अप्लाई हुआ है, यानी फॉन्ट कलर भी यहाँ पे अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस वाला जो है ठीक है, 10 पिक्सल में है, बैकग्राउंड रेडियस में लिया मैंने, सो ये एक्चुअली बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। आप देखिए थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा कर्व में आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड कर्व उसमें आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10 पिक्सल का वैल्यू हमने लगा दिया, यानी चारों साइड में, लेफ्ट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर में, राइट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, फिर बॉटम में राइट साइड, फिर बॉटम में लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको और भी अगर आप ज़्यादा करना, ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 20 पिक्सल, अब देखिए और थोड़ा ज़्यादा कर्व आता है, ऑलमोस्ट लाइक ओवल शेप में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पेज को भी अगर आपको स्टाइलिंग करना है पूरा पेज को, यानी वेब पेज को, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, ओ लीनियर ग्रेडियंट, स्पेलिंग गड़बड़, लीनियर लीनियर ग्रेडियंट, ओके। और टू राइट साइड, मतलब टू राइट साइड से या लेफ्ट साइड से जो भी लिखना लिखो आप यहाँ पे, ओके। अब कौन सा कलर आपको अप्लाई करना है, जैसा कि मैं पहले कलर ले यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट कलर, फिर बाद में मैं जावास्क्रिप्ट, थैंक यू।